केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आइए रुख करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत। गाजा पट्टी के बाद इजराइल का वेस्ट बैंक पर अटैक। सड़कों पर उतरी IDF, हमले में 18 फिलिस्तीनियों की मौत। वर्ल्ड कप के बीच ICC ने लिया बड़ा फैसला, भारत के पड़ोसी देश को किया सस्पेंड। जावेद अख्तर ने लगाया जैसी आराम का नाम। दिल्ली का AQI आज खराब कैटेगरी। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। पुलिस ने बताया कि यमुना जिले में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है। अंबाला में 2 लोगों की मौत की खबर है। इजराइल की सेना अब गाजा पट्टी के साथ वेस्ट बैंक में भी हमले कर रही है। IDF ने कहा कि उसने शहर में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया था और सशस्त्र आतंकवादियों की एक समूह पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इसमें कहा गया है कि छापेमारी में 20 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। वनडे वर्ल्ड कप के बीच ICC ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भारत के एक पड़ोसी देश की मेंबरशिप को रद्द कर दिया है। इसके कारण अब ये टीम एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाएगी। ICC द्वारा रद्द किया गया ये देश कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका है। ICC के नियमों के उल्लंघन के कारण शुक्रवार को श्रीलंका क्रिकेट की सदस्यता को रद्द किया गया है। ICC की बैठक में पाया गया है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में वहां की सरकार का हस्तक्षेप हो रहा है, जो कि ICC के नियमों के खिलाफ है। शुक्रवार को मनसे नेता राज ठाकरे के दीपोत्सव कार्यक्रम में मशहूर लेखक जावेद अख्तर और सलीम खान पहुंचे थे। यहां मंच से जावेद अख्तर ने कहा कि राम और सीता केवल हिंदू या उनके ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए आदर्श हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। आनंद विहार में AQI 282, RK पुरम में 220, पंजाबी बाग में 236 और ITO में 263 है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।